दुनिया भर में रोज़ाना लाखों जराइम किए जाते हैं और जुर्म साबित होने पर मुजरम को जुर्म की नौयत के मुताबिक सज़ा भी दी जाती है। किसी भी जुर्म की सबसे बड़ी सज़ा सज़ाए मौत थी, पर तारीख में मुजरमों को ऐसी ऐसी खतरनाक सज़ाएं दी जाती थी कि मौत भी काम जाती और ख़ुद मुजरम मौत को पुकारने लगता कि काश मुझे मौत आ जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तारीख की खतरनाक तरीन सज़ाओं के बारे में बताएंगे। मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया द जोडास क्रेडल। दोस्तों, आपने पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट तो देखे होंगे, जिस तरह का इसका नोकीला शेप है, इस तरह का ही एक लकड़ी का बना हुआ टॉर्चर डिवाइस मुजरमों को अजियतनाक सज़ा या फिर मौत देने के लिए 16वीं सदी में ईजाद किया गया था। ये सज़ा इंतहाई दर्दनाक होती थी। ये एराम की शिकल का एक नोकीला और तेज़दार आला था, जिसके ऊपर मुजरमों को रस्सियों से बांधकर बिठा दिया जाता था और फिर उसके पाँव में भारी वज़न बांध दिया जाता, जिससे मुजरम बेपनाह दर्द और अजियत से गुजरता था और ज़्यादातर मुजरमों की मौत हो जाती थी। और किसी भी मुजरम को सज़ा देने के बाद इस डिवाइस को धोया भी नहीं जाता था, ताकि मुजरम अगर मौत से बच भी जाए तो उसे गंदी बीमारियां लग जाएं। तारीख के मुताबिक ये सज़ा 16वीं सदी के आखिर में जना बिल जबर यानी रेप के मुजरमों को दी जाती थी, और सज़ा को ज़्यादा तकलीफ दे बनाने के लिए इस डिवाइस पर एक मखसूस किस्म का गंदा आयल भी डाला जाता था, दी आयरन मेडन। दोस्तों, सज़ा का ये तरीका 19 सेंचुरी में ईजाद हुआ। इस तरीके में मुजरम को एक लोहे के बने खोल में बंद कर दिया जाता था, जिसमें नोकीले स्पाइस लगे होते थे, और जब मुजरम इस खोल में बंद किया जाता तो कीले मुजरम के जिस्म में पेवस हो जाती और थोड़ी सी हरकत करने पर मुजरम को बहुत तकलीफ महसूस होती। दोस्तों, ये आला दो किस्म का होता था। एक किस्म में मुजरम का सर खोल से बाहर होता था, ताकि लोग मुजरम के चेहरे की कैफियत और तकलीफ देखकर इबरत हासिल करें, और दूसरी किस्म में सर भी आयरन मेडन में बंद होता था। सज़ा के इस तरीके में मुजरम अक्सर हलाक हो जाता। दोस्तों, ये टॉर्चर डिवाइस मुख्तलिफ अजायब घरों में आज भी मौजूद है। दी रेक पनिशमेंट। ज़माना कदीम में मुजरमों को जितनी भी खतरनाक सज़ाएं दी जाती थी, इन सब में ये सज़ा इंसानी वहशत की सब हदें पार कर देती है। सज़ा के इस तरीके में एक तख्ता इस्तेमाल किया जाता था, जिसके दोनों अतराफ रूलर और इन रूलर्स को घुमाने के लिए हैंडल लगे होते थे। मुजरम को तख्ते पर लेटा दिया जाता और उसके हाथ और पाँव इन रूलर्स से बांध दिए जाते। जैसे जैसे जलाद इन रूलर्स को घुमाते जाते, रस्सी टाइट होती जाती और मुजरम को अजियत मिलना शुरू हो जाती, जिसे कैदी के कंधों, कूलों, घुटनों और कहनियों पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता था और दर्द की शिद्दत इस हद तक होती थी कि उसके मसल्स टूटना शुरू हो जाते, यहाँ तक कि मुजरम के जिस्म से बाजू और टांगे अलग हो जाती, जिसके बाद वो तकलीफ़ और अजियत से तड़प तड़प कर मर जाता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको सबसे ख़तरनाक सज़ा कौन सी लगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।